शिवरात्रि के इनके जन्म दिवस का जो विशेष महत्व है उसको प्राप्त करने के लिए आप आए। और मैंने जैसे आज आपको अनाउंस किया है अगली 21 अप्रैल की गुरु साधना का दिवस हम हिमालय में मनवाएंगे, चाहे यमुनोत्री के आगे। जिसके पाँव में दम है, जिसको रोकने की है, जिसको गुरु कृपा पर पूर्ण विश्वास है, वे लोग जरूर आ सकते हैं। मैं पुनः आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं यहाँ कहते हुए ये विश्राम लेता हूँ कि ये बात ये है, मैंने जैसे आपको कहा गलतियां तो हमारे साथ ही, हम करते हैं, हम आगे जाते नहीं और आते नहीं। हमारी इन गलतियों को क्षमा रूप में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी देखें। और जो मधुश्रवा को जो गुरु जी ने मंत्र दिया था और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी जिनके ऊपर कृपा करते हुए अपने शिष्य को शिष्य के रूप में स्वीकारा था और वे उनको दिव्यानंद नाम का नाम देकर दिव्याश्रम की स्थापना की थी, वैसे शिष्य हम भी बने, हमारे में भी सुदृढ़ता हो। दर्द तो सभी को होता है, सभी को ये दर्द होता है कि गुरु जी हम आपका कार्य करें, हम आपके करें कार्य करने के लिए हमारे पास सक्षम हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा हमारे पांव शरीर में दम हो, हम करें। क्यों, किसकी इच्छा नहीं होती गुरु की सेवा करने, हमारे पास सब कुछ है तो हम सेवा जरूर करेंगे। हमारा घर दार बार सब हो, हमारे पास ऐश्वर्य हो, हमारे बच्चे आपकी कृपा से अच्छे कमाएं, हमारे पास पैसा हो तो हम भी शिविर करेंगे। लेकिन ये करने के लिए हमारे जो गलतियां कार्यक्रम होते हैं वो अड़े आते हैं और हमें शिविर करने नहीं देते, हमें पैसा कमाने में अड़चन निर्माण करते हैं, साधना में अड़चन निर्माण करते हैं और हम गुरु निंदा में भी आगे पीछे सोचते नहीं। हमारा काम नहीं हुआ तो हमारे मुंह से निकल नहीं जाता है कि गुरु जी ने मेरा काम नहीं किया, गुरु जी का काम नहीं हुआ, और गुरु जी को कुछ ना कुछ बातें कहते हैं, गुरु जी काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इसके पीछे और भी है, और भी बात है। मेरे बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो ये कहते हैं गुरु जी आप कुछ भी करो ये मेरा काम करो, अगर ये मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मुझे पता है ये काम हो तो तेरे को क्या गलती होने वाली है, तेरे जीवन में क्या होने वाला है, किस प्रकार तू बाधित होगा, तुझे क्या करना है मुझे पता है। लेकिन जब एक साल हो गया, डेढ़ साल हो गया और जब वो काम नहीं हुआ और वो नाराज पड़ा था तो उस काम को नहीं होने का कारण जब उसे पता चला तो वो अश्रुपूरित नेत्रों से आया कि गुरु जी आपका चमत्कार इतना होता है नहीं, मुझे नहीं पता हुआ, मैंने गलती से वो काम करने के लिए आपको कहा, आज मैं संतुष्ट हूं कि उनको जो मार पड़ा कि वो मुझ पर मार पड़ता था अगर वो काम हो जाता था। आज इस काम में मैं आपका काम करने या ना करने में इसके पीछे मेरा एक ही विचार होता है कि आपको सही मार्ग पर ले चलो और प्रभु जी सद्गुरु जी से यही प्रार्थना करो कि आपके सारे काम सुदृढ़ हो, अच्छे हो और आपका आपको उसकी कृपा प्राप्त हो। मैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की वह कृपा, वह मंत्र जो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने मधुश्रवा को दिया था वह मंत्र आपको दे रहा हूं। आज समापन के पहले आप उस मंत्र को और उस साधना को करके निकलेंगे, केवल एक ही माला है, मंत्र मैं पहले आपसे उच्चारण करवाता हूँ। इच्छा आपकी है, आपके जीवन में अगर आप गलती नहीं किए हैं साधनाओं में और कार्य में गुरु की निंदा नहीं करे हैं तो आप इस मंत्र को नहीं करना, और आपको लगता है कि हमने गलती की है तो इस मंत्र को जरूर करना। आप यहाँ से कल की हुई बगला मुखिया की दसवां विद्या की साधना आपके साथ आपके घर तक आएगी और स्वामी निखिलेश्वरानंद स्वयं आपके घर में स्थापित हो जाएंगे, इस मंत्र को आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। हृदय में स्थापित होने की क्रिया को ही गुरु जी ने बताया था कि एक बार स्वामी निखिलेश्वरानंद हृदय में स्थापित हो जाए तो आपके जीवन में कुछ किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी और आपका हृदय जो कहेगा गुरु जी वो काम आपका पूर्ण करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़े। ओम राम ह्रीम निखिलेश्वराय चैतन्य रूपाय मम मन वचन प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण आत्म परात्म सचैतन्यम सजाग्रय सर्वोत्तय सप्राण सह इह सजीव इह तिष्ठ पूर्णत्वं सपरात्मं सपरांगं एषां स निखिलेश्वरानंदायै मम हृदये स्थापितं जागृतं पूर्णसिद्धिं कल्पमयीं देहि देहि नमः। इसमें अर्थ होता है कि परम पूज्य सद्गुरु जी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी मेरे हृदय में आप स्थापित हो जाओ और मैं जो कार्य गुरु कार्य करना चाहता हूं उसमें कोई अड़चन कभी भी ना आए और मैं इस कार्य को पूर्ण रूप से करता रहूं और मेरे सारी साधनाओं में सफलता मिले। फिर एक बार मंत्र बोलता हूं, बोलो ओम राम ह्रीम निखिलेश्वराय चैतन्य रूपाय मम मन वचन प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण आत्म परात्म सचैतन्यम सजाग्रय सवृत्तय सप्राण स इह सजीव इह तिष्ठ पूर्णत्वं सपरात्मं परांगं एषां स निखिलेश्वरानंदायै मम हृदये स्थापितं जागृतं पूर्ण
सिद्धिम कल्पमयीम देहि देहि नमः। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि इस शिविर का पूर्ण फल आप यहाँ से जाते समय घर ले जाएं, और जो ये साधना एक माला जब उस विक्रेशानंद जी के हृदय स्थापन मंत्र प्रयोग के पास करेंगे, आपने अगर गलतियां की है तो उस गलतियों की क्षमा मिलेगी और आपके साधना साथ साथ साधना का श्रेय भी आपको मिलेगा। अब मैं निखिल चेतना केंद्र की ओर से उन सभी महान पुरुषों का जिन्होंने निखिल चेतना केंद्र के गुरु कार्य में सेवारत हुए हैं किए हैं, थोड़ा सा थोड़ा उससे जितना भी होता है प्रसाद के रूप में उन्हें यहाँ बुलाता हूँ, वो आकर उस प्रसाद को ग्रहण करके जाए। इस साधना का यंत्र और माला आपको वहां मिल जाएगा, तो एक माला करनी है लेकिन बाद में मैं जब बोलता हूं तब जाए। पहले मैं बुलाता हूं हरि कृष्णा और उनकी टीम को, और बाद में राजमौली और उनकी टीम को जिन्होंने इस गुरु पूर्णिमा के रूप में किसी भी प्रकार उन्होंने अच्छे या बुरे कर्मों से हो अच्छे कर्मों से हो गुरु कृपा प्राप्त हो व्यक्तित्व यहाँ आए और उनकी सेवा का गुरु की ओर से प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। जो कार्य उन्होंने किया है परमानेंट इस निखिल चेतना केंद्र के लिए, ए लाइट का हो या इस कार्य के लिए क्या हो, वो सारी टीम मेरे सामने आ जाए। स्वप्नारी हमारी कहीं हो तो यहाँ आ जाए। स्वप्नारी दत्तु भैया के विशेष मैं स्फटिक का यंत्र गुरु यंत्र तैयार किया हूं, लेकिन वो बहुत कम तैयार करने के कारण टीम को एक ही प्रदान करता हूं, शार सभी को डाल दो आइए और आशीर्वाद के रूप में ले लें। यही हरि कृष्णा है जिन्होंने अपना पूर्ण सर्वस्व देकर इस आश्रम के लिए बहुत श्रेय बनाया है। मैं उन सभी को अभिवादन करने के लिए कहता हूँ, उनको इस प्रसाद के रूप में ये देने के लिए।